हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे पास में क्लासिफायर्स थे, कौन कौन से क्लासिफायर्स थे जो मैंने आपको बताए थे नाइव बेस क्लासिफायर के अंदर, तो उसके अंदर मैंने आज तक आपको बताया एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल एक पर्टिकुलर डेटा सेट के साथ में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं यार, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, ठीक है? फिर मैं आपको डेटा सेट भी दिखाऊंगा, मैंने एक कम्प्लीटली डिफरेंट डेटा सेट लिया है यार इसके लिए, ठीक है? सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी ठीक है, सो एक्यूरेसी मेजर्स द ओवरऑल करेक्टनेस ऑफ द मॉडल्स प्रिडिक्शंस, इट कैलकुलेट्स द प्रपोर्शन ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस बोथ ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस। मतलब मान लीजिए कि दो क्लासेस है हमारे पास में, ठीक है, क्लास ए और बी। तो आपने कुछ प्रेडिक्ट किया कि यार ये क्लास ए है, ठीक है, लेकिन वो निकला क्लास बी। या फिर अपन ऐसे मान लीजिए कि कोरोना के पेशेंट है, कोविड के पेशेंट है, वो दो ही क्लासेस में डिवाइड हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि भाई जो बंदा है वो तो पॉजिटिव है, और वो असल में ही पॉजिटिव था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। वही अगर बंदा नेगेटिव, उसने प्रिडिक्ट किया नेगेटिव होगा और असल में भी वो नेगेटिव ही था, इसको ट्रू नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है, फॉल्स नेगेटिव। अगर मान लीजिए पॉजिटिव उसने प्रिडिक्ट किया लेकिन वो नेगेटिव था, तो उसे कहते हैं फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव, इसने फॉल्स बात बताई है। और उसी केस में, नेगेटिव वाले केस में क्या जाएगा, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे भाई, एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ये तो ट्रू हो गया, डिवाइडेड बाय जितनी भी कंडीशंस है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। सो आपको शायद ये समझ में आया। तो एक्यूरेसी प्रोवाइड्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ मॉडल्स परफॉर्मेंस बट कैन बी मिसलीडिंग इफ द क्लासेस इन द डेटा सेट आर इम्बैलेंस्ड। तो अगला जो अपने पास में है वो है दूसरा, जो मैंने आपको बताया वो बताया, वो है रिकॉल, ठीक है। सो रिकॉल कैसे काम करता है, रिकॉल काम करता है कि रिकॉल मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द मॉडल ऑफ आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव इंस्टेंस करेक्टली। इसके पास में क्या होता है कि ये मेजर कर पाता है, इसके पास में एक एबिलिटी होती है कि वो मॉडल मॉडल के अंदर वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि पॉजिटिव इंस्टांसेस कितनी बार करेक्टली आए। सो पॉजिटिव जो इंस्टांस है, करेक्टली कितनी बार है, ठीक है। इट कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव इंस्टांस करेक्टली आइडेंटिफाइड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टांस। तो रिकॉल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव इंस्टांस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ओके। सो उसके अंदर से जितने भी एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टांस है उसके अंदर से कितने नंबर ऑफ वो है। तो देखो, ये जो फॉल्स नेगेटिव थे ये असल में पॉजिटिव ही तो थे, तभी तो उसको नेगेटिव बोला गया कि भाई उसने बोला कि नेगेटिव है लेकिन वो असल में क्या थे, पॉजिटिव थे। तो ये भी तो एक्चुअल ही तो पॉजिटिव इंस्टांस हुए। तो क्या है, जितने भी आइडेंटिफाइड जो ट्रू इंस्टांसेस है डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो पॉजिटिव इंस्टांसेस है, उसे ही हम कहते हैं रिकॉल। रिकॉल इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन द कॉस्ट ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स मिसिंग पॉजिटिव इंस्टांसेस इज हाई, इट इंडिकेट्स द मॉडल्स एबिलिटी टू अवॉइड फॉल्स नेगेटिव। ये दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि मॉडल्स की एबिलिटी कितनी है कि वो अवॉइड कर सके फॉल्स नेगेटिव को, कि द एबिलिटी एबिलिटी ऑफ
एबिलिटी टू अवॉइड फॉल्स नेगेटिव्स। कितने फॉल्स नेगेटिव्स को वो अवॉइड कर सकता है। ठीक है, अब अगला जो है हमारे पास में वो है प्रिसीजन। ठीक है, सो प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन मेजर्स द मॉडल्स एबिलिटी टू करेक्ट प्रिडिक्ट पॉजिटिव इंस्टांसेस। प्रिसीजन मेजर करता है जो मॉडल्स की एबिलिटी है कि वो कितना करेक्ट प्रिडिक्ट कर सकता है पॉजिटिव इंस्टांसेस को। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ट्रू पॉजिटिव इंस्टांसेस डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉजिटिव टोटल नंबर ऑफ इंस्टांस प्रिडिक्ट किए गए हैं एज ए पॉजिटिव। ठीक है, वो चाहे से फॉल्स भी हो इसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं। सो ये नीचे वाला तो हो गया टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव। तो उसके अंदर में दोनों ही आ जाते हैं, ट्रू पॉजिटिव भी, जो पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए वो थे सच असल में पॉजिटिव, और जो फॉल्स पॉजिटिव किए गए लेकिन वो असल में तो नेगेटिव थे, लेकिन वो भी इसके अंदर आएंगे। तो कितनी बार पॉजिटिव आपका दिया गया, इट कैलकुलेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव इंस्टांसेस। ट्रू पॉजिटिव इंस्टांसेस डिवाइडेड बाय जितने भी पॉजिटिव इंस्टांसेस उसने उसने बताए, जितने भी उसने पॉजिटिव इंस्टांसेस बताए उसमें से कितने असल में पॉजिटिव थे, उसका रेशियो प्रिसीजन होता है। ठीक है, रिकॉल क्या हो गया भाई? जितने भी असल में पॉजिटिव थे, असल में पॉजिटिव में से कितने पॉजिटिव रहे उसमें उसको कहते हैं रिकॉल। रिकॉल का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव में से कितने पॉजिटिव आए, टोटल नंबर ऑफ सही में से कितने सही थे। ठीक है, सही कितने थे, असल में सारे सही कितने थे, सारे पॉजिटिव इतने होने चाहिए थे, मतलब 10 पॉजिटिव होने चाहिए थे। ठीक है, सारे के सारे 20 होने चाहिए थे, उसमें से कितने प्रेडिक्ट किए तुमने, 10 ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए तुमने। ठीक है, तो मैं कह दूं 20 में से 10 किए तो इसकी रिकॉल वैल्यू हो गई 0.5। ठीक है, इस तरीके से फिर बाद में ये एक्यूरेसी क्या हो गया, एक्यूरेसी होगी कि भाई साहब ट्रू पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सारा का सारा डेटा, जैसे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। हमें ये चाहिए कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव कितने हैं, असली वैल्यू मतलब कि असली चीज उसने कितनी प्रेडिक्ट की, जो असली ट्रू थी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो ट्रू कितनी पैदा की टोटल में से, मतलब टोटल डेटा मान लो आपका 100 था, 100 में से उसने 50 सही एकदम सही दिया, उसको कहते हैं 0.5, इतनी उसकी एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, सो आई होप ये एक्यूरेसी वाला फैक्टर आपको समझ में आया। अब यार उसी डेटा सेट को उठाते, कुछ नया नहीं लेके आऊंगा मैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक नया डेटा सेट दिखाना चाहूंगा, उसके अंदर मैं ये थोड़ा सा आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको यार थोड़ा देख के मजा आ जाएगा। ये अपना डेटा सेट है, ये मैं .csv फाइल है मेरी जिसमें आई लव दिस सैंडविच, आई लव दिस सैंडविच, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉज मतलब पॉजिटिव हो गया, दिस इज एन अमेजिंग प्लेस, पॉजिटिव बात, आई फील वेरी गुड अबाउट दिस बियर्स, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव वाला आई डू नॉट लाइक दिस रेस्टोरेंट, ये नेगेटिव बात है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस स्टफ, नेगेटिव बात है। आई कांट डील विद दिस, ये नेगेटिव हो गया। ही इज माई स्वॉन एनिमी। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव, कौन सी चीज नेगेटिव है और कौन सी चीज पॉजिटिव है, मैंने एक डेटा सेट डिजाइन किया, मैंने एक मैसेज के साथ में एक लेबल डिजाइन कर दिया कौन सी बात पॉजिटिव और कौन सा मैसेज नेगेटिव है। अब मैं भाई एक इसके आधार पे एक मेरा मॉडल क्रिएट करूंगा, मॉडल बताएगा मेरे को कि किस तरीके से मेरा काम होता है, किस तरीके से मैं मैसेज को डिवाइड कर पाऊंगा पॉजिटिव और नेगेटिव उसके अंदर। अब यार आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मल्टीनोमियल नाइफ जो बेस जो क्लासिफायर है वो होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिसको हम MNB भी बोलते हैं। जो मल्टीनोमियल नाइफ बायस है इज अ पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ये क्या है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ही तो है यार, मैसेज को ही तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये असल में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर यूज होता है, उसके अंदर यूज होती है ये चीज। इट इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रॉब्लम दैट आर इन्वॉल्व टेक्स्ट डेटा विद डिस्क्रीट फीचर्स। इसके अंदर टेक्स्ट डेटा है डिस्क्रीट फीचर्स के साथ में,
हमें, सच एज वर्ड फ्रिक्वेंसी काउंट। इसके अंदर नंबर ऑफ जो वर्ड है उसको हम काउंट कर रहे हैं। एमएनवी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बायस थ्योरम एंड अज्यूम्स दैट द फीचर आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन द क्लास वेरिएबल। ठीक है, सो हेयर आर स्टेप्स फॉर अप्लाइंग मल्टीनोमियल नाइव बायस टू एनएलपी प्रॉब्लम। फर्स्ट, प्री प्रोसेसिंग द डेटा टेक्स्ट। द टेक्स्ट डेटा नीड्स टू बी प्री प्रोसेस्ड बिफोर अप्लाइंग द एल्गोरिथम। दिस इन्वॉल्व्स स्टेप्स सच एज टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूव और स्ट्रीमिंग एंड लेमिनाइजेशन। तो ये क्या करता है ना कि जो टेक्स्ट डेटा है उसको मतलब एक तरीके से डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो फीचर एक्सट्रैक्शन, टेक्स्ट डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फीचर वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट में अपन कन्वर्ट करेंगे, देखना गाइज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको वेक्टर फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। दैट कैन बी यूज एज इनपुट टू द एमएनबी एल्गोरिथम। द मोस्ट कॉमनली मैथड टू फीचर एक्सट्रैक्शन इज यूज अ बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल वेयर ईच डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई वैक्टर ऑफ वर्ड फ्रिक्वेंसी काउंट। सो देन वील स्प्लिट द डेटा। सो आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग विद द एग्जाम्पल प्रोग्राम। सो हेयर वी हैव प्रोग्राम। सो फर्स्ट थिंग आई एम जस्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर फाइल, सी एस वी फाइल, एंड आई एम इम्पोर्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ पांडास। सो आई विल यूज रीड सी एस वी एंड मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा, दो कॉलम दे दूंगा, इसके लिए मैसेज और इसके लिए ये लेबलाइज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, मैं इसका प्रिंट करवाऊँ तो मैंने इसको डायमेंशन ऑफ ये आ जाएगी और ये डेटा इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएगा, मैसेज और उससे एसोसिएटेड जो लेबल है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक और काम किया, एक और नया कॉलम बनाया लेबल नम करके। अब मैं ये नया क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये जो डेटा है पोजीशन और पॉज और नेक इसको मैं मैपिंग करना चाहता हूँ 0 और 1 के अंदर, इसको डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर मतलब क्लासिफिकेशन क्लास के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ 0 और 1 की क्लास के अंदर। तो मैंने क्या किया, लेबल को, इस पर्टिकुलर लेबल कॉलम को मैंने मैप कर दिया पोजिशन इक्वल टू 1 और नेगेटिव जो पॉजिटिव इक्वल टू 1 हो जाएगा और नेगेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज मैप्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 एंड 0 रेस्पेक्टिवली। अब मैं क्या करूंगा, एक्स के अंदर तो ले लूंगा जितना जो भी मैसेजेस है मेरे, वो तो मैंने एक्स के अंदर ले लिए, और जो भी मेरे लेबल नम है वो मैंने वाई के अंदर ले लिए। ठीक है, तो ये सारा डेटा ले लिया और मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो ये देखिए इस तरीके से मेरे पास में ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब डेटा ले लिया, दूसरा क्या है भाई, डेटा को स्प्लिट करना, डेटा को तोड़ना ट्रेन मॉडल और टेस्ट मॉडल के अंदर, मतलब ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए डेटा को स्प्लिट करना। स्प्लिट करना तो बहुत जरूरी है यार, तो मैंने स्प्लिट कर लिया एक्स और वाई के अंदर। मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि कितना मतलब मेरे को स्प्लिट करना है, यहाँ पर जो टेस्ट साइज है वो कितनी होनी चाहिए, मैं ये स्पेसिफाई भी कर सकता हूँ। मैं कर देता हूँ टेस्ट साइज कितनी है, 0.3 कर देता हूँ। ठीक है, 0.3 मैंने टेस्ट साइज कर दी। सो जो टेस्ट मतलब 30% डेटा टेस्टिंग के लिए है और 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, मैंने इनकी शेप जान ली। अब देखिए मैंने इसकी शेप देखी तो मैंने देखा 6 और 12 के अंदर ये डिवाइड हो गया, 6 12 के अंदर डिवाइड हो गया। जो इसकी टेस्टिंग की जो साइज है वो 6 है क्योंकि वो 30% और उसकी 12 होगी क्योंकि वो 60% है। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया इसको, और फिर बाद में इस किट लर्न से ही मैंने फीचर एक्सट्रैक्ट किया। टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट से मैंने एक काउंट वेक्टराइजर, जो वेक्टराइजर है ना जो हमारे जितने भी टेक्स्ट डेटा है उसको कन्वर्ट करने के लिए उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन, जो टेक्स्ट डेटा है उसको हम वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये डेटा को एक पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, सो इसकी मदद से मैंने इस पर्टिकुलर क्लास को कॉल किया। ठीक है, इसके अंदर डेटा डाला मैंने। अब देखिए मैंने ये काउंट वेक्टर इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, एक फिट ट्रांसफॉर्म जो मेथड है वो इससे एसोसिएटेड है। मैंने इसके अंदर डाला एक्सट्रेन, मैंने उसके अंदर डेटा डाला, पूरा एक्सट्रेन वाला डेटा डाला और मैंने उसके साथ में ट्रांसफॉर्म भी कर दिया उस डेटा को। मैंने कहा कि भाई फिट करो, ट्रांसफॉर्म भी कर दो उस डेटा को। ये फिट क्यों कर रहे हैं भाई, फिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर मॉडल को वो भी करेगा, ट्रेन भी करेगा, इस पर्टिकुलर मॉडल को ट्रेन भी करेगा, तो फिट करो ट्रांसफॉर्म करो उसको। ठीक है, एक्सट्रेन मैंने इस पर्टिकुलर डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया और फिर बाद में एक्स टेस्ट डेटा को, इसको फिट नहीं करना है, इसको बस टेस्ट करना है, इस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दो इसकी मदद से। तो मैंने ट्रेन डेटा भी ले लिया और टेस्ट डेटा भी ले लिया। ठीक है,
और ये वाई वाला तो मैंने पर्टिकुलरली बना ही लिया था लेबलाइज करके, मैपिंग करके, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि जो नाइव बेस के अंदर से, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके अंदर तो भाई बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं, तो इसके अंदर से यार पिछले बार तो मैंने उठाई थी गोशियन, गॉसियन नाइव बायस, इस बार मैंने उठा ली मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल जो है वो असल में इज अ क्लासिफायर इन स्किट लर्न दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स विद डिस्क्रीट फीचर। अभी डिस्क्रीट में बदल गए ना यार, सो इट इज बेस्ड ऑन नाइव बायस एल्गोरिथम। मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ यार, इसको प्रिंट करवाए दिखा देता हूँ दोनों डेटा को, वो टेस्ट डेटा इसने कन्वर्ट कर दिया ना। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लो यार, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रन करवाया, ये यहाँ पर ये देख लो, ये डेटा इससे एसोसिएटेड आ गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से डेटा स्टार्ट है, तो ये सारा देख सकते हो आप, डिस्क्रीट वैल्यू है, सारी डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक है, अब जब ये डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है डेटा, जब ये डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसके ऊपर लगाओ मल्टीनोमियल प्रॉब्लम। अब ये जो मल्टीनोमियल जो एल्गोरिदम है, ये लगाने के बाद में हम क्या कर देंगे, इट इज कॉमनली यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क। ये तो मैंने पढ़ाया था आपको, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होता है। तो हमने इसको उसी तरीके से, सेम जो हमने पिछले में गोशियन एंड भी इन सब में पढ़ा था ना, सेम वो का वही है यार। हम क्लासिफिकेशन एक इस पर्टिकुलर क्लास से मैं एक बनाऊंगा, मॉडल बनाऊंगा, और सबसे पहले एक देखो यार, अगर आपको ये देखना है तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाकर और फिर बाद में उसके अंदर डेटा को फिट करूंगा। ठीक है, साथ के साथ ही कर दो यार, फिट कर दो उस पर्टिकुलर डेटा को फिट करके, और उसके ऊपर प्रिडिक्ट करवाओ टेस्ट डेटा को, टेस्ट डेटा भेजकर उसके ऊपर प्रिडिक्ट करवाओ। अब असली गेम है भाई, एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल, प्रिसीजन, वो सब जानने का। तो एक्यूरेसी वाला तो एक्यूरेसी स्कोर से आ ही जाएगा। मैं स्किट लर्न में मैट्रिक्स को कॉल करूँ, मैट्रिक्स में जो ये मेथड है एक्यूरेसी स्कोर, वाई टेस्ट और प्रिडिक्शन के बीच में तो टेस्ट करेगा ना वो, एक्यूरेसी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल और प्रिडिक्शन, वो सब इसके ऊपर डिफाइंड मेथड्स हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, वो सारे डिफाइंड मेथड्स हैं इसके अंदर। आपको ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बेसिक जो था वो मैंने आपको बता दिया, जो मैथमेटिक्स थी वो मैंने आपको करके बता दी, बाकी तो सब ये मेथड्स हैं यार पाइथन के अंदर, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपका पूरा कॉन्सेप्ट पड़ा है आपके लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।